सारे जो है सबने अंग्रेज कांग्रेस सरकार के खिलाफ बिल्कुल बुझाने का इस गांव से किया था। और ये बात जो है मेरे दादाजी ने पापा ने बचपन से मेरे को ये बताते थे। जब मुझे उसके बाद गांव में आने का मौका मिला, जब यहाँ से आपने ड्यूटी बनाई तो हर बार गांव में मैं ड्यूटी आया, आपका बहुत आशीर्वाद आपका साथ मिला। इस गाँव से मेरे को जो है बहुत ज़्यादा अपने गाँव से एक अपनेपन है, एक लगाव है। और हमेशा मेरी यही कोशिश रहेगी कि जितना आपने आपका है जितनी आपकी भावना है उससे ज़्यादा भावना गांव के लिए मैं अपने दिल में लेके चलूँ। हमेशा गांव का मान सम्मान ऊपर करने का प्रयास करूँगा। अब ये सिलेक्शन की बात आती है, इस चुनाव में बहुत से मुद्दे आएंगे और एक बहुत बड़ा फैसला आपने करना। ये ऐसे समय में सभा हो रही है अपनी कि चुनाव डिक्लेयर हो गए और अपने चुनाव ठीक 60 दिन के बाद हरियाणा, बहुत बड़ा फैसला रोहतक लोकसभा में करना है। आज आप देखते हो कि पूरी बीजेपी के निशाने पर रोहतक लोकसभा, पूरी बीजेपी के निशाने में मैं और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर इनके मुख्यमंत्री तक और मुख्यमंत्री से लेकर सारे इनके जो मंत्री उनके सबके निशाने पे रोहतक लोकसभा सीट है, सबके निशाने पे हुड्डा साहब है और मैं। और उसका कारण है, उसका ये कारण है कि जो रोहतक लोकसभा सीट का जो फैसला है जो मई के महीने में यहां से जो फैसला आएगा वो फैसला केवल एक सांसद का चुनाव का फैसला नहीं, वो कोई एक एमपी के बनने का बिगड़ने का फैसला नहीं। अगर एक एमपी की बात होती तो पूरी बीजेपी देश की और हरियाणा की पूरी बीजेपी के निशाने पे केवल ये सीट नहीं होती कि इतना वो निशाना एक सांसद पे ही साथ पे जितना वो हमें साथ रहे। उसका कारण ये है कि यहाँ से जो नतीजा आएगा वो हरियाणा की आगे की राजनीति को तय करने का काम करेगा। यहाँ से आपकी जीत होगी, जिस दिन यहाँ से आपकी जीत होगी, जहाँ जिस दिन यहाँ से आपकी जीत होगी उसी दिन खट्टर सरकार के उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और हरियाणा में दोबारा से आपका राज मिलने का रास्ता निकल गया है। ये फैसला आपने करना। बड़े बुजुर्गों ने सारा समय देखा, हमारी पीढ़ी ने भी देखा है, जो नौजवान है जो हमसे जो अगली पीढ़ी उनने शायद पूरा वो समय नहीं देखा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, राजनीति से ऊपर उठ के एक बात कहना चाहता हूँ। हरियाणा 1966 में बना, 1966 में हरियाणा बना, उससे पहले भी और उसके बाद भी 40 साल तक सरकारें बदलती रही और कभी कोई मुख्यमंत्री बना, कभी कोई पार्टी आई, मगर हमारे इलाके की कुछ नहीं। दिल्ली के नजदीक हम थे, दिल्ली की एक तरफ नजदीक गुड़गांव, दूसरी तरफ नजदीक नोएडा। गुड़गांव में नोएडा में जिस तरीके से विकास हुआ, हमारे इस इलाके की उस तरीके से कोई कुछ नहीं हुई। यही बहादुरगढ़ था, बहादुरगढ़ की क्या शक्ति थी आपको याद होगा। बाईपास की मेट्रो की बात तो दूर की बात, बहादुरगढ़ के अंदर कैसा दाम रहता था आपको उस फोन में भी याद होगा। यही रोहतक था, रोहतक की क्या खूबसूरत थी, नाम का शहर था रोहतक, मगर रोहतक के अंदर गलियों की सड़कों की एक बारिश का दाया कि पूरा रोहतक डूब जाता। अपने गांव की बात हो, दिल्ली जाते थे सड़कें भी याद होंगी आपको, रोहतक से जंगल सड़क कराया करती 2 घंटे लगा करते। बहादुरगढ़ से जजरवाड़ी सड़क भी आपको याद होगी, ये जो सड़क अपनी बहादुरगढ़ से निकलकर डीगल तक जाती है सड़क, ये सब सड़क भी आपको याद होगी। और ये तो अपनी अंदर की सड़कें हैं, दिल्ली भी जाया करते, दिल्ली बढ़ा करते तो एक वो पुलिया थी आपको याद होगी, वो पुलिया भूमि पुलिया पे आया करते बॉर्डर पे। 40 साल में किसी ने उस पुलिया को भी डबल करने का नहीं सोचा, किसी ने जाके वो पुलिया पे पैदल पुलिया याद है, दिल्ली बढ़ता था बहादुरगढ़ से तो वह पुलिया याद है। किसी
किसी ने गुड़िया को भी दफन करने का नहीं सोचा। एक तरफ गुड़गांव कर रहा था, एक तरफ नोएडा कर रहा था, मगर हमारे इस इलाके के अंदर किसी ने इस इलाके की पूछ नहीं करी। 2004 में आपके आशीर्वाद से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मौका मिला, हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हुए इस इलाके के जो है इस इलाके के बेटे, उन्होंने सबसे पहली बात यहाँ किसी से भेदभाव की बात नहीं करी और ना किसी से भेदभाव किया। 10 साल में ठीक है ये नाम बदनाम हुआ कि भाई 3 जिलों में ज्यादा काम, हमने किसी से भेदभाव नहीं किया, मगर इस इलाके के अंदर जरूरत थी, इस इलाके में जरूरत थी और जरूरत के हिसाब से कोशिश करी कि हमारे इलाके की तस्वीर बदले, हमारे इलाके की तस्वीर सुधरे। कहीं पे एम्स का अस्पताल आया, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट बाड़सा के अंदर जैसे आया, कहीं परमाणु का विश्वविद्यालय आया तो जसौर खेड़ी में आया, कहीं हाईवे बने नेशनल हाईवे 4 लेन और 6 लेन के जो दिल्ली से माधोपुर बाईपास होकर सीधा हिसार भगवानी तक जाता है, इस तरह के कहीं नेशनल हाईवे बने, कहीं रेल की लाइन बिछे जो रोहतक से झज्जर रेवाड़ी तक रेल की लाइन जैसे बिछी, कहीं बिजली के कारखाने लगे तो झज्जर में बिजली कारखाने लगे, कहीं फुटबॉल पार्क बने जैसे भादुर में फुटबॉल पार्क अपना योगा की फैक्ट्री लगी, कहीं आईएमटी लगे जैसे रोहतक के अंदर आईएमटी लगी जिसमें एशियन पेंट मारुति और अमूल की फैक्ट्री लगी, कहीं एससीजेड लगे जो बाद के पास एससीजेड लगा जहां चाइना सब की फैक्ट्री लगी।